पहली बार मात्र 10 मिनट में पाइल्स का उपचार, बवासीर, भगनर, फिशर, पाइलोनिडल साइनस, इन सब का तकनीक द्वारा बिना चिरफाड़ के उपचार, पेशेंट को भर्ती होने की कोई जरूरत नहीं। विशेष प्रशिक्षण प्राप्त डॉक्टर प्रवीण साहवे MS, डॉक्टर पूजा साहवे, रामेश्वरी रोड, नागपुर। मोबाइल नंबर 9970743318। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूसीन हेलो डॉक्टर में। यूसीन हेलो डॉक्टर इज स्पॉन्सर्ड बाय अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल। आज हमारे साथ हैं अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल रामेश्वरी चौक नागपुर से जनरल सर्जन डॉक्टर प्रवीण साहवे। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रवीण के बारे में बताना चाहूंगी कि ये एक ऐसे एकमेव भारतीय डॉक्टर हैं जिन्होंने विदेश से मूल व्याधि का प्रशिक्षण लिया है। ही इज बेस्ट पाइल लेजर सर्जन ऑफ महाराष्ट्र, ही इज बेस्ट आयुर्वेद सर्जन ऑफ इंडिया एंड इवन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बीम इन इंडिया। चीन से इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है। डॉक्टर, आपको यहाँ पाकर हमें बहुत खुशी हुई है। आज हम लोग, आप समझ ही गए होंगे कि इस बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं मूल व्याध, फिशर और भगंदर, और इस पर लेजर ट्रीटमेंट किस प्रकार पॉसिबल है। डॉक्टर, सबसे पहले मूल व्याध, ये सारी चीजें आपसे जानना जरूरी कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। पाइल्स या बवासीर जिसको बोलते हैं, बवासीर के मुख्यतः चार प्रकार होते हैं। जिसमें पहला प्रकार होता है जिसमें सिर्फ खून आता है, दूसरा प्रकार होता है जिसमें मस्सा बाहर आता है और अपने आप अंदर चला जाता है। अच्छा। और तीसरा जो प्रकार होता है जिसमें मस्सा बाहर आता है और उसको हाथ से अंदर डालना पड़ता है, और चौथा जो प्रकार होता है जो हमेशा के लिए मस्सा बाहर रहता है। अभी दर्शकों के मन में बहुत सारी गलत फहमियां हो सकती है कि मुझे अगर संडास की जगह कोई तकलीफ हो गई है तो वो पाइल्स ही है, बवासीर है। वहां होने वाली 20-30 प्रकार की बीमारियां होती है। तो सबसे पहले तो इसका निदान करना जरूरी है। जी। जैसे बवासीर की अगर हम बात करें तो उसमें लक्षण में ज्यादा मात्रा में खून जाता है, वहां पर हमेशा गीलापन महसूस होता है। अच्छा। पाइल्स इज अ पेनलेस कंडीशन, वैसे पाइल्स में दर्द नहीं होता है अंटिल एंड अनलेस अगर वो चौथी स्टेज में या चौथी अवस्था में पहुंचा हो, तभी उसमें दर्द होता है। हमें समझ में नहीं आता। हाँ, उसमें इसीलिए पाइल्स की जो अवस्था है मरीज काफी दिन तक उसको सहन करते रहते हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें पेन होता नहीं है। जी। थोड़ा बहुत कभी ब्लीडिंग हुआ, कुछ खान पान में बदलाव हुआ तो ये तकलीफ होती है। तो इसकी वजह से पाइल्स की जो लक्षण है वो धीरे दिन बढ़ते जाते हैं। कुछ दिन बाद ऐसा लगता है कि ये स्टेजेस रुक गई है, पर वो जब तक आप चेक नहीं करेंगे, उसका निदान योग्य तरीके से नहीं करेंगे। जैसे हमारे अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल में हमने वीडियो रेक्टोस्कोपी द्वारा उसकी जांच करते हैं। एक विशिष्ट प्रकार से दूरबीन से उसकी जांच होती है, जिससे पाइल्स की कौन सी अवस्था है वो पता चल जाता है। अच्छा। फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है। अच्छा। कितने पाइल्स है, कितने बड़े हैं, इसकी हम लोग प्रिंट भी मरीज को देते हैं। जी। तो जिससे उनका उनको खुद समझ में आता है कि नहीं, मुझे ये बीमारी थी, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, और उसकी जो स्टेजेस है उसके अनुसार जो ट्रीटमेंट है वो प्लान हम लोग करते हैं। जैसे फर्स्ट और अर्ली सेकंड स्टेज के अगर पाइल्स है या मरीज बवासीर के है, तो उसमें कोई बाकी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि ऑपरेशन है या बाकी लेजर ट्रीटमेंट है, वो भी नहीं है। वो दवाई से ही ठीक हो सकते हैं या खान पान में थोड़ा पर बदलाव करने के बाद ही वो ठीक हो सकते हैं। पर सेकंड के बाद जो थर्ड और फोर्थ स्टेज है उसमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें भी हम लोग ट्रेडिशनल जैसे जो सर्जरीज है उसके कंपेरेटिव भी आयुर्वेद कुछ मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट है, उसके अलावा लेजर ट्रीटमेंट है जो कि एक एडवांस ट्रीटमेंट है जिसमें कोई चिरफाड़ नहीं होती, कोई टाका नहीं होता। जी। और जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं बीम टेक्नोलॉजी। और ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसमें बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिकल इम्पेंडेंस ऑटो मेजरमेंट सिस्टम एक डिवाइस होता है जिससे पाइल्स के जो मस्से है उसके बेस में हम लोग पकड़ते हैं। अच्छा। और उसमें कोई चिरफाड़ नहीं, कोई टाका नहीं होता है, और वो कुछ ही क्षणों में, हाँ टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, उसमें कोई चिरफाड़ न होने से पेशेंट अपने रूटीन काम पे जल्दी जा सकता है। तो लेजर और बीम दोनों भी अच्छी कम समय में ट्रीटमेंट पॉसिबल। डॉक्टर, यही मैं कह रही थी, जैसे आपने कहा कि सिम्टम्स अर्ली स्टेज पे पता नहीं चलते, लेकिन आजकल एक जमाना था जब डॉक्टर को अप्रोच करके सारी जानकारी ली जाती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि लोग अब कुछ होने से पहले ही सारी गूगल शूगल करके सारी नॉलेज लेते हैं, तो इसमें भी अब लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज और अवेयरनेस बढ़ गई है। तो अगर अर्ली स्टेज पे ऐसे कोई पेशेंट आपके पास आता है तो किस तरह डायग्नोस किया जाता है कि हाँ इन्हें अगले स्टेज, जैसे अर्ली स्टेज में अगर मरीज आते हैं तो उनको हम लोग आयुर्वेद कुछ मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट है। अच्छा। जैसे हमारी कुछ संशोधित दवाइयां है, करें जैसे पूरी किट आती है जिसमें कुछ कैप्सूल्स है आयुर्वेदिक, कुछ क्रीम है, कुछ पाउडर है, वो लेने के लिए बोलते हैं, और खान पान का हम डाइट चार्ट प्रिपेयर करके देते हैं।
और उससे फर्स्ट और अर्ली स्टेज के जो पाइल्स है वो 100% ठीक हो जाते हैं। इस पर आने से पहले डॉक्टर, जैसे आपने कहा खान पान, कहीं ना कहीं इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी, और क्यों ये चीजें बढ़ रही हैं? क्योंकि पहले बहुत सी मेडिकल फील्ड में ऐसी समस्याएं थी जो बड़े बुजुर्गों की समस्याओं से जाना जाता था, लेकिन आजकल यंग एज में भी ये सारी चीजें पाई जा रही है, और पाइल्स एक ऐसी चीज होगी आजकल एवरी एक ऑल्टरनेट इंसान को समझ में आती है और पता चलती है, तो ये क्यों मानते हैं? मोस्टली इसका मेन कारण जो है वो लाइफस्टाइल है। yes. हमारा जो आज हम लोग भागदौड़ भरी जो जिंदगी हुई है उसमें खाने का समय निश्चित नहीं है, सोने का समय निश्चित नहीं है, तो ज्यादातर समय ट्रैवलिंग करने से, ज्यादा समय खड़ा रहने से, ज्यादा समय तक बैठने से भी पाइल्स होता है। अच्छा। हाँ, ये सब कारण है। उसके अलावा आप तीखा मिर्च मसालेदार नॉनवेज डाइट या अल्कोहल की ज्यादा मात्रा सेवन करना, ये सब कारण इसको बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो ये सब खान पान में हमने अगर बदलाव किया तो निश्चित रूप से हम पाइल्स होने से बच सकते हैं। अपनी नींद को 8 से 10 घंटा लेना बहुत जरूरी है। देर रात तक हम लोग मोबाइल या अदर मीडियाज, हमारा काम, लैपटॉप, ये सब यूज करते रहते हैं, तो इसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। yes. तो इसकी वजह से हमारा डाइजेशन पे इफेक्ट होता है, और जिस भी कारण से आपको सख्त संडास हुई या कॉन्स्टिपेशन हुआ तो इसका कारण पाइल्स बढ़ाने में सहायक होता है। जी। तो हमारे डाइजेशन को ठीक करना बहुत जरूरी है। जी। कहीं ना कहीं हमने मूलवाद के बारे में जाना, आपने इसके ट्रीटमेंट के बारे में जाना चाहेंगे कि एग्जैक्टली किस तरह होता है पाइल्स का ट्रीटमेंट? जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि फर्स्ट स्टेज में तो दवाई से भी ठीक हो सकता है, इसके लिए जरूरी है कि आप सही समय पर निदान करना जरूरी है, और थर्ड और फोर्थ स्टेज की जो पाइल्स है उसके लिए हमारे यहाँ हम एडवांस लेजर थेरेपी यूज करते हैं। अच्छा। जिसमें कोई चीरफाड़ नहीं होता। हाँ। कोई टाका भी नहीं होता है। जी। और ये पेनलेस ट्रीटमेंट है। इसमें कैसा है कि मरीज अपने रूटीन डेली वर्क पे 1 से 2 दिन में ज्वाइन हो सकता है, इसको 1 महीना घर में बैठने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई स्पिंटर या कोई मसल्स या कोई पेशी कट नहीं होती, तो इससे उसका कंट्रोल जाने का जो भय है वो भी नहीं रहता, और अपने रूटीन वर्क में उसको पेन नहीं होने की वजह से वो अर्ली ज्वाइन कर सकता है। और इसमें खास बात यह है कि ये सुविधा आप डे केयर प्रोसीजर में ले सकते हैं, जैसे इसके लिए बहुत ज्यादा दिन एडमिट होने की जरूरत नहीं है। आप जिस दिन आए उसी दिन ट्रीटमेंट लेके दूसरे दिन डिस्चार्ज होके या फिर सेम डे डिस्चार्ज लेके भी ये ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। ओके। तो ये सारी टेक्नोलॉजी खासकर अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल में अवेलेबल है। अगर आपके आसपास या फैमिली में कोई भी ऐसा है जिन्हें इस प्रॉब्लम से सफर करना पड़ रहा है तो आप तुरंत अप्रोच कर सकते हैं। डॉक्टर, फिशर और भगंदर की जो बात करते हैं, क्योंकि पाइल्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वाइड है, इसमें बहुत प्रकार है जैसे आपने शुरुआत में भी कहा, तो फिशर भगंदर को हम थोड़ा डिटेल से जानना चाहेंगे, ये क्या होता है? फिशर यानी क्या होता है कि किसी भी कारण से अगर हार्ट स्टूल हुआ, हार्ट मोशन हुई, तो उसकी वजह से वहां पर बुध भाग की जगह 6 o'clock या 12 o'clock में ऐसे चीरा पड़ता है। अच्छा। तो उसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा पेन होता है, क्योंकि वहां का जो एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। जी। तो ऐसे मरीज को वहां पर मोशन करते समय दर्द होना, ब्लीडिंग मोशन को लग के जाना, ये तकलीफ होती है। जी। इसको फिशर बोलते हैं। अच्छा। और इसका जो उपचार है वो भी एडवांस लेजर पद्धति से मात्र 2 से 3 मिनट इसके ट्रीटमेंट के लिए लगते हैं। एक पर्टिकुलर एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसी वजह से हम लोग लेजर के द्वारा इसका उपचार करते हैं। तो वो भी एक अच्छी सुरक्षित और सेफ पद्धति है। और अर्ली जो फिशर होते हैं, फिशर के दो टाइप्स होते हैं या दो प्रकार, जिसमें एक क्रोनिक फिशर होता है जो कि बहुत लंबे दिनों से चलता है। अच्छा। और एक एक्यूट फिशर होता है जो कि तुरंत हुआ जिसका एक 4 दिन से 5 दिन से हिस्ट्री है, और हार्ट स्टूल हुई उसके बाद उनको तकलीफ हुई, तो ये दो प्रकार होते हैं। मोस्टली एक्यूट फीचर में अगर कुछ मेडिकेशन लिया, जैसे मैंने बताया कि हमारा कुछ मॉडिफाइड किट है आयुर्वेद किट, उसके साथ खान पान में कुछ बदलाव किए, तो 100% एक्यूट फीचर की जो स्टेज है वो कम हो सकती है। और क्रोनिक फीचर के लिए कभी कभी जो लेजर ट्रीटमेंट मैंने बताया वो करने की आवश्यकता पड़ती है। वैसे फिशुला, जिसको भगंदर या नाली घाव बोला जाता है, इसमें क्या होता है कि गुदभाग के आजू बाजू में कहीं भी फोड़ा या फुंसी हुई और उसको सही समय पे सर्जन द्वारा अगर चीरा मार के आपने उस पस को नहीं निकाला, मवाद को नहीं निकाला, तो वो पस या मवाद गुदभाग के पेशी तक या अंदर गुदभाग तक खुलता है, उसको भगंदर या फिशुला बोलते हैं। तो ये फिशुला का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, ये आजू बाजू में पूरी जगह कहीं पर भी फैल सकता है। अच्छा। जैसे महिलाओं में देखे तो योनि भाग में फैल सकता है, पुरुषों में देखे तो यूरेथ्रा तक जा सकता है। ओके। तो इसके और भी कोई कारण हो सकते हैं, जैसे कि टीबी की वजह से होने वाला भी फिशुला होता है, इसमें मल्टीपल एक्सटर्नल ओपनिंग होते, तो ये फिशुला का हम लोग निदान करके उसके अनुसार हमारे जैसे एडवांस एक इप्टाक पद्धति है, जिससे एक मॉडिफाइड आयुर्वेदिक पद्धति है,
जिससे हम इलाज करते हैं, इसमें कोई चीरफाड़ नहीं होता, कोई टाका नहीं होता। वैसे ही सेम लेजर पद्धति से भी हम लोग जो फिशुला बना है उसकी पूरी ट्रैक को लेजर के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं और वो ठीक होता है। इसमें कोई कटिंग नहीं होती, कोई चीरफाड़ नहीं होता। और जो बड़ा लंबा फिशुला है, लॉन्ग दिनों से चल रहा है या लंबी ट्रैक्ट है उसकी, वो भी इससे ठीक होता है। ओके डॉक्टर, ये जो ट्रीटमेंट आपने बताया, इस ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहेंगे कि इसके फायदे क्या हैं। मतलब ये ट्रीटमेंट अब एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी है और इतनी आसानी से की जा सकती है, पहले इतना समय लगता था, लेकिन अब आप जैसे कह रहे हैं कि समय नहीं लगता है और जो पेशेंट है वो कंटिन्यू कर सकता है 2-3 दिन में नॉर्मल लाइफ, तो इस बारे में जानना चाहेंगे। जैसे सोचा जाए तो आज का युग जो है वो डिजिटलाइजेशन का युग, बिल्कुल है। आज हम हमारे हर एक क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन चाहते हैं, तो हमें चिकित्सा क्षेत्र में भी ऐसी कुछ ट्रीटमेंट चाहिए थी जिसके लिए हमने जैसे कि एडवांस लेजर जो है, इससे फायदा मुख्य यह है कि पेशेंट का एक तो समय बचता है जी, दूसरा पैसा बचता है, बार बार ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सही है। तीसरा है कि आपको पेन नहीं होता, पेनलेस ट्रीटमेंट है, तो आपका जो दैनंदिन रूटीन है वो आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म एडमिट रहने की जरूरत नहीं रहती है, बड़ा घाव नहीं रहता, तो रोज आपको ड्रेसिंग के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे आज ट्रीटमेंट हुआ, आपको 7 डेज बाद एक बार फॉलोअप के लिए दिखाना है, उसके बाद 1 महीने बाद दिखाना है, तो इससे आपका समय बचता है, पैसा बचता है, आपका लाइफस्टाइल जल्दी इम्प्रूव हो जाता है और एक स्वस्थ लाइफ जीने के लिए ये मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी काफी कारगर सिद्ध है। पहली बार मात्र 10 मिनट में पाइल्स का उपचार, बवासीर, भगनर, फिशर, पाइलोनिडल साइनस, इन सब का तकनीक द्वारा बिना चीरफाड़ के उपचार, पेशेंट को भर्ती होने की कोई जरूरत नहीं। विशेष प्रशिक्षण प्राप्त डॉक्टर प्रवीण साहवे MS, डॉक्टर पूजा साहवे, रामेश्वरी रोड, नागपुर, मोबाइल नंबर 9970743318। डॉक्टर एक सवाल ऐसा मन में आया है कि अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट कराता है इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, ये सारी चीजें रिवर्स होती हैं, मतलब रिवर्स वापस आती हैं, क्योंकि ये तो ऐसी चीज है कि कभी भी हो सकती है, तो ये मन में सवाल है। इसमें रिवर्स यानी फिर से होने के चांसेस रहते हैं? हाँ। नहीं है, ऐसा नहीं है, पर आप किस स्टेज में आए हो, अच्छा, किस प्रकार से आपने ट्रीटमेंट किया है, उसके ऊपर वो डिपेंड है। Okay. अगर आप जैसे आज आप आइल्स का ऑपरेशन करके चले गए, किसी भी पद्धति से करिए, लेजर से करिए या और भी एडवांस पद्धति है उससे करिए, पर अगर आप खान पान में परहेज नहीं रखेंगे जी वही, तो उसके अलावा और दूसरे भी प्रॉब्लम्स होने की शक्यता है जी। तो ये सब आपको परहेज तो करना ही है, जैसे ज्यादा तीखा मिर्च, मसालेदार नॉनवेज डाइट, इसको कम करना है। ऐसा नहीं है कि आपने ये लेजर ट्रीटमेंट करवा लिया तो आप सब कर सकते हैं। हाँ, बाकी कंपेरेटिवली जो मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट है उससे इसमें रिकरेंस होने के चांसेस बहुत कम है जी। क्योंकि ये एडवांस पद्धति है और जैसे बेसिक पैथोफिजियोलॉजी जो पाइल्स की है या फिशुला की है वो हम लोग ट्रीट करते हैं, और हमारे यहाँ जो मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट है वो सभी प्रकार के लेजर्स है। यस। उसके साथ हम लोग जैसे फिशुला का विचार करेंगे तो हम लोग इफ्टक नाम की एक मॉडिफाइड पद्धति होती है जिसमें एक आयुर्वेदिक मेडिकेटेड सेटॉन यूज करते हैं, अच्छा। तो उसमें एक कॉम्बो थेरेपी हम लोग करते हैं। ओके। लेजर विद इक्टाक अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो मुझे नहीं लगता फिशुला फिर से होगा, अच्छा। तो ये सब मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट है, अच्छा। तो उसका सही ढंग से निदान अगर किया, सही चिकित्सा पद्धति अगर हमने यूज की तो चांसेस ऑफ रिकरेंस बहुत कम है, एटलीस्ट कुछ समय तक तो ये चीजें ठीक हो सकती हैं। डॉक्टर आपने चीन में जो प्रशिक्षण लिया है, इस बारे में जाएंगे कि आप इतने टाइम से इस फील्ड में सेवा दे रहे हैं, चीन का प्रशिक्षण का कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्चुअली वो मेरे लिए बहुत अच्छा सुखद अनुभव था, अच्छा। काफी सालों से मैं सर्च कर रहा था ऐसी मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट पाइल्स के लिए कि जो हमारे मरीजों के लिए कारगर सिद्ध हो, जिससे पेशेंट का समय बचे, पैसा बचे और उनका डेली रूटीन जल्दी समय पे आए जी। तो झेंगझाओ में मुझे नसीब प्राप्त हुआ कि आई वॉज फर्स्ट सर्जन फ्रॉम इंडिया दैट टाइम, तो झेंगझाओ में हमारा प्रशिक्षण हुआ, वहाँ पर बीम जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में मुझे काफी सीखने के लिए मिला। okay. और आज हमारा सेंटर भारत का एकमेव सेंटर है जो बीम प्रशिक्षण भारत के सर्जन्स को दे रहा है, तो काफी अच्छा अनुभव हमारे लिए था। ओके, डीम पद्धति के बारे में भी मैंने आप जब आपके बारे में पढ़ रही थी तो ये हमने जाना, इस बारे में आप बताइए क्या है? डीम पद्धति जो है हमारी मॉडिफाइड पद्धति है। डीम मींस पहला जो डी है उसमें डाइट रेगुलेशन। ओके। हम पेशेंट्स को डाइट रेगुलेशन करवाते हैं, कुछ डाइट चार्ट लिख के देते हैं। ई फॉर एजुकेशन एंड एक्सरसाइज, जैसे हम लोग पेशेंट को अवेयर कराते हैं कि आपको ये स्टेज है, ये पाइल्स है, ये फिशुला का प्रकार है, तो इसमें हम मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट क्या यूज करेंगे, इसके बारे में हम लोग पेशेंट को अवगत कराते हैं। okay. उसके बारे में दूसरा ई जो है वो है एक्सरसाइज, कुछ सर्टन हम एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम है,
जैसे कि कीगल एक्सरसाइज है, गुदे भाग की पेशियों को आकुंचन और प्रसरण करना, ये एक्सरसाइज आप घर बैठे कभी भी कर सकते हो जिससे आपको भविष्य में फिशर या पाइल्स या ऐसे गुदे भाग की बीमारी होने से बच सकते हैं आप। तो ये एक्सरसाइज और भी कुछ फिजियो एक्सरसाइज है वो हम लोग बताते हैं। डी ई और ए जो है ए फॉर आयुर्वेद मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट। जैसे हमने इसमें आयुर्वेद क्षार सूत्र है, इफ्टाक मोडालिटीज है, पंचकर्मा में बस्ती थेरेपी है, ये सब मोडालिटीज हम इसके लिए यूज करते हैं। और एन जो है एन स्टैंड्स फॉर न्यू मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे कि लेजर ट्रीटमेंट है, बीम ट्रीटमेंट है, और भी मॉडिफाइड टेक्निक्स है। जैसे हमारे यहाँ फिशुला के लिए हम लोग फिक्सेशन मेथड करके एक एडवांस मेथड यूज करते हैं जिसमें कोई चीरफाड़ नहीं होती, कोई टाका नहीं होता, जो फिशुला की जो ट्रैक्ट है बस उतना ही हम लोग मशीन से निकालते हैं और उसको जांच के लिए भेजते हैं। तो ऐसे बहुत सारी न्यू मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट, ये पूरा कंप्लीट डीन के अंतर्गत समावेश होता है। अच्छा, इसका यहाँ पर नागपुर में किस तरह प्रतिसाद मिला आपको डॉक्टर? काफी अच्छा प्रतिसाद मिला है। हम लोग जैसे इस टेक्नोलॉजी को जन सामान्य तक पहुँचाने के लिए पूरे भारत भर में निःशुल्क शिविर का आयोजन करते हैं। अच्छा। जैसे हमारा आगामी शिविर पूना में है, अच्छा, मुंबई में है, ओके, और उसके बाद जबलपुर में है और भोपाल में है, ये चार जगह हमारे आगामी शिविर होने वाले हैं। उसकी जो डेट्स है हमारे वेबसाइट pilesfishulacurewe.com पर अवेलेबल रहेगी। जी, कहीं ना कहीं डॉक्टर आपने एक और अभियान छेड़ा है, मूड व्याध भारत मुक्त अभियान जो है, इस बारे में जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा, पाइल्स मुक्त अभियान हमने जो छेड़ा है उसके लिए हम ये चाहते हैं कि पाइल्स के मरीज या गुदभाग से व्याधि से संबंधित जो मरीज है वो कम से कम इस दुविधा से जल्दी मुक्ति पा सके। इसके लिए हमने हर जगह निःशुल्क शिविर का आयोजन करते हैं। अच्छा। जैसे हाल ही में हमारा शिविर एक आगरा में हुआ। अच्छा। आगरा में हमने शिविर आयोजित किया, वहां पर बीम टेक्नोलॉजी द्वारा, लेजर टेक्नोलॉजी द्वारा मरीजों का उपचार किया। अच्छा। उसके बाद लास्ट मंथ में 3 तारीख को हमारा हैदराबाद में एक वर्कशॉप हुआ और शिविर हुआ। तो हमारे वर्कशॉप ऐसे भारत भर में चलते रहते हैं और हमारा जो सेंटर है भारत भर में पहला ऐसा आयुर्वेदिक बीम ट्रेनिंग सेंटर है जो बाकी डॉक्टर्स को ये टेक्नोलॉजी सिखाते हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जो जो हमने सीखा है जी, हम उसका अगर थोड़ा सा ज्ञान हम दूसरों को बांट सके तो इसमें काफी मरीजों को फायदा होगा जी। और एक बार किसी को पढ़ाना यानी दो बार सीखना होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा पर्पज है कि लोग पाइल्स से मुक्त हो, निसंकोच होके आप हमारे किसी भी डॉक्टर से राय ले सकते हैं और ये जो बीम टेक्नोलॉजी है या लेजर टेक्नोलॉजी है इसका फायदा ले सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जानकारी अगर दो लोगों में बांटी जाए तो बढ़ती है, नॉलेज जब भी बांटा जाए तो वो बढ़ता है, कम नहीं होता है। बहुत सही बात कही डॉक्टर आपने। महिलाओं की बात अगर की जाए तो इसमें पाइल्स का जो प्रॉब्लम है वो क्यों और किस तरह बढ़ता है, यानी क्या कारण है इस चीज के? महिलाओं में मुख्यतः कारण ये होते हैं कि बेचारी महिला अपना सुबह से उठ के शाम तक पूरे अपने दिन काम में व्यस्त रहती है, घर का काम संभालना, ऑफिस का काम संभालना, तो इसकी वजह से खुद की हेल्थ पे ध्यान देना थोड़ा सा उनको मुश्किल हो जाता है। तो मोस्टली महिलाओं में एक तो गर्भ अवस्था में प्रेगनेंसी में शरीर का हार्मोन लेवल बढ़ने से, गर्भाशय का वजन बढ़ने से गुदभाग की नसों पर एक प्रकार का प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से पाइल्स होने की संभावना ज्यादा होती है। और प्रेगनेंसी के बाद मोस्टली पीएनसी पीरियड जो रहता है, सूतिकावस्था जिसको बोलते हैं, उसमें मरीज काफी देखने के लिए मिले हैं। जैसे अगर प्रेगनेंसी रह गई है और उसके बाद अगर पाइल्स की बीमारी हुई है तो उसके लिए आप कुछ स्टेजेस है कि वहां पर आप ऑपरेशन नहीं कर सकते, करेक्ट है ना? जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर है या थर्ड ट्राइमेस्टर है तो उसमें आप बाकी मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर सेंटर में, जैसे हमारे सेंटर की इंचार्ज है डॉक्टर पूजा साहब है, वो इन महिलाओं को आयुर्वेद दिनचर्या का पालन करवाते हैं। उनको आयुर्वेदिक कुछ मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट है जैसे कि बस्ती थेरेपी है और भी कुछ मेडिसिन है, उसके द्वारा इलाज करते हैं। और महिलाओं के जो प्रेगनेंसी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, कभी कभी क्या होता है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड पाइल्स होते हैं कि जो प्रेगनेंसी एक बार स्टेज निकल गई उसके बाद अपने आप श्रिंक हो जाते हैं, पर कुछ उसके बाद ट्रीटमेंट जैसे कि मेडिसिन ट्रीटमेंट है वो लेना जरूरी होता है। अच्छा। तो ये सब कारण महिलाओं में होते हैं जी। तो प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर ज्यादा दिनों तक थायराइड है, थायराइड की वजह से भी महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होती है। और हार्मोन्स लेवल बढ़ना या कम होना
ये भी एक इनडायरेक्टली पाइल्स होने में सहायक होता है। जी, क्या किया जा सकता है अगर इन केस किसी महिला को ये चीज होती है? सबसे पहले वो जानेंगे क्या किया जाता है, उसके बाद प्रिकॉशंस की बात करें। महिलाओं में थोड़ा सा इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे कि फिशुला का हम अगर विचार करें जिसको भगंदर बोलते हैं, तो फिशुला में इन्फेक्शन होने के चांसेस महिलाओं में महावारी के समय ज्यादा होते हैं। तो ऐसे समय उस वहाँ पर लोकल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और हो सके तो अच्छे डॉक्टर्स को, मोस्टली सर्जन्स को जी, महिला डॉक्टर्स को दिखाना जरूरी है ताकि वहाँ का इन्फेक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि एब्सेस स्टेज अगर हो गई तो उसके बाद फिशुला हो सकता है। अगर अर्ली स्टेज में फिशर हुआ, जैसे वहाँ पर गुदभाग की जगह चीरा हो गया, तो उसकी वजह से फाइल्स होने की संभावना भी आगे हो सकती है, और ज्यादा मात्रा में अगर ब्लड गया तो उसकी वजह से एनीमिया होने की भी संभावना रहती है। तो ऐसे समय में सही जगह सही समय पर अगर उसका हमने निदान किया तो आगे ये प्रॉब्लम बढ़ने से हम बच सकते हैं, एंड विद एक्सपर्ट हैंड्स कह सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं इस चीज पर बहुत सी ऐसी जानकारियां जो देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसे कई मिथ्स होते हैं, तो वो भी क्लियर कर दीजिए, और क्या मैसेज देंगे हमारे दर्शकों? जाते जाते हम लोग हमेशा हमारे शो में दर्शकों को एक संदेश देते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से जिए, आयुर्वेद हो सके तो अपने जीवन शैली में अपनाएं, अपने खाने का समय निश्चित करें, सोने का समय निश्चित करें, हो सके तो टॉयलेट कमोड टॉयलेट के बजाय नॉर्मल टॉयलेट यूज़ करें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कमोड टॉयलेट में अगर आप बैठे हैं तो उसमें गुदभाग की नसों पर प्रेशर आता है, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन होने की ज़्यादा संभावना रहती है, और उससे पाइल से अन्य बीमारी होने की भी संभावना रहती है। ज़्यादा देर समय तक कमोड या टॉयलेट में ना बैठे, क्योंकि मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग मोबाइल्स लेके बैठते हैं, तो ये ना करें, और अपने जीवन शैली को ऐसा बनाए जिसमें खाने में ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स हो, सलाद हो, ड्राई फ्रूट्स हो जी। और छाछ का ज्यादा मात्रा में सेवन करें, क्योंकि छाछ पाइल्स या बवासीर के लिए सबसे श्रेष्ठ औषधि माना गया है। अच्छा। तो इसका भी आप सेवन कर सकते हैं, और स्वस्थ रहे, सुखी रहे और तंदुरुस्त रहे। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रवीण साहब, आपकी ये सारी जानकारियां कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत जरूरी होंगी और बहुत काम आएंगी। तो जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि ये सारी चीजें, और सबसे पहले हेलो डॉक्टर में हमारा मोटिव यही होता है कि हमारे दर्शक जो हैं सबसे पहले अपने खान पान पे और अपनी लाइफ स्टाइल पे ध्यान दें। अगर आप इस पर ध्यान देते हैं तो आपको कोई भी समस्या आस पास नहीं मंडराएगी और आप बच सकते हैं, ये प्रिकॉशन है एक्चुअली। तो आज हमारे साथ थे अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रवीण साहबे। आज हेलो डॉक्टर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और स्पेशलिस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। पहली बार मात्र 10 मिनट में पाइल्स का उपचार, बवासीर, भगंदर, फिशर, पाइलोनिडल साइनस, इन सब का तकनीक वाला बिना चिरफाड़ के उपचार, पेशेंट को भर्ती होने की कोई जरूरत नहीं। विशेष प्रशिक्षण प्राप्त डॉक्टर प्रवीण साहबे MS, डॉक्टर पूजा साहबे, रामेश्वरी रोड, नागपुर। मोबाइल नंबर 9970743318।